नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 6। भट्टे सहमति में सिर हिलाता हुआ कालिया बोला, अब क्या कहता है? अगर ये सोहल है, भट्टी पुरजोर लहजे में बोला, तो मैं बादशाह अकबर हूं। यानी कि नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। शकल तो शकल, इसकी तो आवाज तक नहीं मिलती। तुम तो, विमल उपहासपूर्ण स्वर में बोला, यूं कह रहे हो जैसे तुम सोहल से कभी मिले हो। एक बार हो चुका है मेरा सोहल से आमना सामना। विमल ने गौर से दोबारा भट्टी की सूरत का मुआयना किया। उसे वो सूरत कतई जानी पहचानी ना लगी। पता नहीं वो शख्स झूठ बोल रहा था या खुद उसकी अपनी याददाश्त दगा दे रही थी। अच्छा, प्रत्यक्ष विमल बोला, कैसे, कब? जब वो कंपनी के अहदेदार ज्ञान प्रकाश डोगरा की तलाश में कमाटीपुरे में लेफ्टिनेंट घोरपड़े के घर आया था। कौन घोरपड़े? जो बाद में कंपनी का सिपहसालार बन गया था। वही। तुम्हारा घोरपड़े से क्या रिश्ता था? पहले मैं उसका जोड़ीदार हुआ करता था। हिप्पी बना सोहल जब अपनी एक छोकरी के साथ घोरपड़े के यहां पहुंचा था, उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। तब विमल को याद आया कि जब वो घोरपड़े से डोगरा का कोई अता पता कबुलवाने के लिए उसके घर गया था, तो वहां उसके साथ 2 चमचे भी मौजूद थे, जिनकी सूरतों की तरफ विमल ने कतई तवज्जो नहीं दी थी। जरूर उन्हीं में से एक भट्टी था। तरक्की के मामले में गुंडागर्दी का जुग्राफिया भी राजनीति जैसा ही था। राजनीति की तरह इस धंधे में भी आदमी आनन फानन कुछ का कुछ बन जाता था, कहीं का कहीं पहुंच जाता था। तब तो पट्टा हिप्पी बना हुआ था, भट्टी कह रहा था। फिर भी तुमने उसे पहचान लिया था? विमल बोला। तब नहीं पहचाना था, लेकिन बाद में हमें यकीनी तौर पर मालूम हो गया था कि हिप्पी बनकर घोरपड़े को बेवकूफ बनाने आया आदमी ही सोहल था। तभी हमें मालूम हो जाता कि वो हिप्पी का बच्चा सोहल था, तो हम वहीं उसका कीमा ना कूट देते। विमल खामोश रहा। अब भी कहता है, कालिया बोला, कि तू सोहल है? विमल के चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए जैसे उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने कब कहा था? फिर वो फर्जी दिलेरी दिखाता हुआ बोला कि मैं सोहल हूं। नहीं कहा था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि समझ लो कि मेरा नाम सोहल है। अगर हम तेरे समझाए समझ लेते तो तू हो जाता सोहल। विमल बड़े खिसियाए भाव से हंसा। अब बोल, कालिया बोला, असल में कौन है तू? मेरा नाम नौसेरवान जी है, विमल धीरे से बोला। पेस्टन जी नौसेरवान जी घड़ी वाला। पारसी है? हाँ। धंधा क्या है तेरा? घड़ियों की स्मगलिंग का। कहाँ? बड़ौदा में। कंपनी ने क्या बिगाड़ा तेरा? मेरा धंधा चौपट कर दिया। बस, मेरे 2 लड़कों को मरवा दिया, मेरी 13 साल की लड़की को उठवा दिया, मेरी बीवी के साथ कंपनी के इतने आदमियों ने बलात्कार किया कि वो मर गई। ओह, साफ जाहिर हो रहा था कि उन लोगों को विमल के नए चेहरे की कोई वाकिफियत नहीं थी। विमल ने जो ड्रामा किया था उससे ये लाभ हुआ था कि वे दोनों समझ रहे थे कि ये उनकी काबिले तारीफ होशियारी थी, जिससे उन्होंने विमल से उसकी असलियत कबूलवा ली थी। वो सीधे सीधे अपना परिचय देता तो वे लोग कभी यकीन न करते कि उसने अपनी बाबत सच बोला था। भट्टे, कालिया बोला, अपने पारसी भाई का ग्लास खाली है, ड्रिंक बना सबके लिए। भट्टी ने उठकर 3 ग्लास में ब्लैक डॉग विस्की डाली और साइफन से सोडा मिलाया। तू चाहता क्या है? फिर कालिया बड़े अपनेपन से बोला। मैं चाहता हूं, विमल बोला, इकबाल सिंह की लाश गिराने में आप लोग मेरी मदद करें। हम क्या मदद करें? कोई तरीका बताओ जिससे इकबाल सिंह तक मेरी पहुंच हो सके। अगर ऐसा कोई तरीका हमें आता होता तो हम खुद ही जाकर उसकी लाश ना गिरा आए होते। विमल ने बड़ी संजीदगी से सहमति में गर्दन हिलाई। अगर तू खुद खास इकबाल सिंह की फिराक में बड़ौदा से चलकर बंबई आया है तो अब तक तुझे भी मालूम हो चुका होगा कि आज की तारीख में इकबाल सिंह के करीब भी फटक पाना नामुमकिन है। ये बात तो सच है। विमल ने विस्की का एक घूंट पिया। वो कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, तो फिर क्या किया जाए? एक तरीका हो सकता है, कालिया बड़े अर्थपूर्ण ढंग से भट्टी को देखता हुआ बोला। क्या? कान को दूसरे तरीके से घुमाकर पकड़ना होगा। मतलब? लेकिन वैसे कामयाब होने के लिए जान लड़ानी जरूरी है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, और भेजा भी, वो भी मैं समझता हूं कि मेरे पास है।
फिर क्या वांदा है, क्या तरीका है? तरीका बताने से पहले मुझे कंपनी के मौजूदा निजाम की बाबत तेरे को कुछ समझाना पड़ेगा। क्या तू खुद क्या जानता है कंपनी के मौजूदा निजाम की बाबत? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना जानता हूं कि बकिया की मौत के बाद से कंपनी की बादशाह इकबाल सिंह संभाले हुए है, बस। और ये जानता हूं कि व्यास शंकर गजरे नाम का एक आदमी इकबाल सिंह के बाद दूसरे नंबर का अहदेदार है। श्याम डोंगरे नाम का एक मवाली उसका सिपह सालार है। ये सब तो वैसे ही मुंबई शहर का बच्चा बच्चा जानता है। तुम्हारा इशारा किसी खास जानकारी की तरफ है? हाँ, क्या क्या जानकारी? सुन, देख, जब बखिया जिंदा था तो कंपनी के कई कारोबार थे, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, मटका, कैसीनो स्टाइल जुआ, नार्कोटिक स्मगलिंग, शराब का धंधा, गैर कानूनी धंधे करने वाले दूसरे लोगों को प्रोटेक्शन देकर उनसे चौथ वसूल करना, होटल और बार चलाना। इतना व्यापक व्यापार था कंपनी का बखिया की छत्रछाया के नीचे। नार्कोटिक स्मगलिंग में तो बखिया की सारे एशिया में, बल्कि सारे वर्ल्ड में धाक थी। उसके माफिया तक से संबंध बताए जाते थे। फिर बंबई में आंटप का सोहल नाम का एक गैंगस्टर, जिसने बखिया की बादशाह के बखिये उधेड़ दिए और उसके तकरीबन सारे के सारे अहदेदार एक एक करके मार गिराए। तब सोहल जैसे एक छलावे की तरह बंबई में आया था, वैसे एक छलावे की तरह यहाँ से गायब हो गया और पीछे रह गया इकबाल सिंह, जो बखिया की उजड़ी हुई कायनात का मालिक बना। कंपनी की तबाही की हिस्ट्री छोड़ो यार, पिमल बोला, अपने कारनामों को दूसरे की जुबानी सुनकर उसे क्या हासिल होता? मतलब की बात करो। वही कर रहा हूं, कालिया बोला। बखिया की मौत के बाद इकबाल सिंह ने बखिया की गद्दी तो हथिया ली, लेकिन बखिया बनने की कुव्वत ना उसमें थी ना किसी और में। नतीजा ये हुआ कि अपने हित में उसे कंपनी के कई धंधों से हाथ खींच लेना पड़ा। मसलन कौन से धंधों से? मसलन प्रोस्टिट्यूशन। बखिया के वक्त बंबई में कंपनी के कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले 12 ठिए थे, अब सिर्फ एक है, शायन में, जिसे की कंपनी पुरानी वफादार मिसेज पिंटो चलाती है। उसका मूल ठिया सायन का एक आलिशान बंगला तो सोहल जलाकर खाक कर गया था, अब बेचारी वहीं के एक फ्लैट से अपना धंधा चलाती है। मटका कहने को कंपनी चलाती है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। आजकल एक बहुत मामूली फीस के बदले में इकबाल सिंह ने यह धंधा किसी और को सौंपा हुआ है। बखिया के वक्त मटके का हेडक्वार्टर उनका जैकब सर्कल पर स्थित ऑफिस था और कंपनी का एक बड़ा अहदेदार कांति देसाई उसका इंचार्ज था। सोहल की मेहरबानी से कांति देसाई का कत्ल हो गया और वह ऑफिस जलकर स्वाहा हो गया। उस वारदात के बाद से ही एक तरह से मटके का धंधा कंपनी के हाथों से निकल गया। बूट लेगिंग से, यानी कि शराब के धंधे से इकबाल सिंह ने खुद हाथ खींच लिया। गैर कानूनी धंधे करने वाले दूसरे लोगों को प्रोटेक्शन देना उसके बस का ना रहा। यहां से करीब ही ग्रांट रोड पर ही एक 8 मंजिला इमारत है, जिसमें दिखाने को ईस्टर्न एक्सपोर्ट हाउस करके एक फर्म चलती है, लेकिन असल में जो एक चकला और जुआ घर है और जिसे विट्ठल राव नाम का एक आदमी चलाता था। बखिया के वक्त उसे कंपनी की प्रोटेक्शन हासिल थी और विट्ठल राव नियमित रूप से कंपनी को अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा पहुंचाता था। बखिया के होते हुए भी विट्ठल राव के कई आदमी मारे गए, वो खुद मरता मरता बचा। नतीजतन प्रोटेक्शन के मामले में विट्ठल राव पर से और उस जैसे दूसरे लोगों पर से कंपनी का एतबार उठ गया। वो एतबार जो बखिया के वक्त में ही उठ गया था, इकबाल सिंह के बहुत कोशिश करने के बावजूद वापस ना बैठ सका। नतीजतन उसे अपने प्रोटेक्शन के धंधे से हाथ खींच लेना पड़ा। होटल सी व्यू में फटे बमों ने वहां की हाई क्लास क्लाइंटेल तकरीबन खत्म कर दी। यूं ही उमर खयाम नाम का बार तबाह हुआ तो दोबारा ना चल सका। तुमने क्लब 29 का जिक्र नहीं किया, कालिया ने तनिक सक पकाकर विमल की तरफ देखा। विमल ने लापरवाही से पाइप का एक कश लगाया। उसका जिक्र, कालिया बोला, मैं आखिरी में करना चाहता था। आखिर अभी हुई नहीं? हो गई है, कालिया एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में इकबाल सिंह की छत्रछाया में कंपनी के पास दो ही मेन धंधे हैं, एक नार्कोटिक स्मगलिंग और दूसरा कैसीनो स्टाइल जुआ। कंपनी का नार्कोटिक स्मगलिंग का धंधा बड़ा व्यापक है, इकबाल सिंह में उसको ठीक से हैंडल करने की काबिलियत नहीं, लेकिन व्यास शंकर गजरे की वजह से धंधा चल रहा है। ठाट से? ठाट से तो नहीं। क्यों नहीं? एक तो मैं ही उस धंधे पर घात लगाए हूँ, कंपनी के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मैं अपनी तरफ कर चुका हूँ, उसके काफी ग्राहक मैं पटा चुका हूँ। ऊपर से बंबई पुलिस का एक कुछ ज्यादा ही जोशीला और ईमानदार इंस्पेक्टर अशोक जगनानी कंपनी के नार्कोटिक्स ट्रेड का मलियामेट करने के लिए कमर कसे है। उसकी दहशत की वजह से कंपनी को नार्कोटिक स्मगलिंग के अपने एक बहुत ही फायदेमंद पुर्तगाल गोवा रूट पर अपने ऑपरेशन बंद कर देने पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि इंस्पेक्टर अशोक जगनानी की चल जाए तो यह इंतहाई फायदेमंद धंधा भी कंपनी के हाथ से निकल जाएगा। वही इंस्पेक्टर जो कंपनी की आंख में डंडा किए है, वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं? नहीं,
क्यों? क्योंकि फिलहाल उसका निशाना, उसकी मुकम्मल तवज्जो कंपनी की तरफ है, मेरी तो उसे खबर तक नहीं है। नहीं तो हो जाएगी, वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे दुबई नहीं आ सकता। तुम दुबई में रहते हो तो इस वक्त यहां मुंबई में कैसे हो? कभी कभार आना पड़ता है, लेकिन पुलिस को इसकी कानो कान भनक नहीं लगती। आगे लग सकती है, कोई तुम्हारा अपना आदमी देर सवेर तुम्हारे साथ दगा कर सकता है। कालिया खामोश रहा। अब शायद तुम ये कहोगे कि तुम्हारे आदमी बहुत परखे हुए, बहुत आजमाए हुए हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ दगा नहीं कर सकता। ऐसा कहोगे तो अपनी मूर्खता का ही सबूत दोगे। इस धंधे में देर सवेर अपना ही आदमी दगा करता है। तू ठीक कह रहा है, कालिया धीरे से बोला, लेकिन इस खतरे का हल भी उसी बात में से निकलेगा जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कंपनी का दूसरा मेन धंधा कैसीनो स्टाइल जुआ है, यही आज की तारीख में कंपनी की मोटी आमदनी का एक मेन जरिया भी है। तूने अभी क्लब 29 का नाम लिया था, लेकिन सोहल के प्रकोप से वो भी नहीं बच सकी थी। कोई मोटी रकम लूटने में वो कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन ये अफवाह जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैली थी कि क्लब 29 कोई सेफ जगह नहीं थी। वहां गल्फ कंट्रीज से बड़े बड़े शेख जुआ खेलने आते थे, जो लाखों करोड़ों रुपए दाव में लगाते थे। डाके की खबर से उन्होंने ऐसा खौफ खाया कि उन्होंने वहां आना बंद कर दिया, यानी कि कैसीनो की मोटी क्लाइंटल उखड़ गई। ऐसी क्लाइंटल एक बार उखड़ जाए तो फिर चाहे बकिया जोर लगा ले, चाहे इकबाल सिंह, वो लौटकर नहीं आती। यानी कि क्लब 29 अब बंद है? हाँ, यानी कि कंपनी का सबसे फायदेमंद धंधा बंद हो गया। कालिया ने इनकार में सिर हिलाया। तो विमल उलझनपूर्ण स्वर में बोला, धंधा जारी है। कालिया बड़े गंभीर स्वर में बोला, सिर्फ नाम और जगह बदल गई है। मतलब बंबई से पूरी तरह से वाकिफ है? पूरी तरह से तो नहीं, ये जानता है कि बंबई के आसपास के समुद्र में कई छोटे मोटे टापू हैं, जिनमें से काफी सारों पर इंडिया का हक है, जैसे वो टापू जिस पर एलिफेंटा केव्स है। हाँ, इसी तरह बूचर आइलैंड है, मिडल ग्राउंड है, ऑयस्टर रॉक है। विमल खामोश रहा। अरब सागर में बंबई से 60 मील दूर ऐसा ही एक टापू है जिसका नाम सेवन नेक पॉइंट है। यह टापू कराची से 500 मील की दूरी पर है और पाकिस्तान की मिल्कियत माना जाता है, जबकि वो पाकिस्तान से इतना दूर है। तो क्या हुआ, हमारे अपने ऐसे आइलैंड जैसे लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार वगैरह क्या हिंदुस्तानी धरती से सैकड़ों मील दूर समुद्र में नहीं है? होंगे, विमल तनिक तिक्त स्वर में बोला। तुम इस सेवन नेक पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये टापू नाम को पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। असलियत में उन लोगों को खुद याद नहीं आता होगा कि अरब सागर में हिंदुस्तान के करीब मौजूद एक ऐसा टापू भी पाकिस्तान है। टापू का कुल जमा एरिया मुश्किल से 5 मील है। कुछ अरसा पहले तक ये एक उजाड़ बियावान जगह होती थी, जहां ना कोई आदम जात रहता था और ना कोई जानवर। फिर ऐसी जगह पर पहुंचता है बादशाह अब्दुल मजीद दलवई नाम का एक आदमी। बादशाह? हाँ, तब तो उसने यूं ही सजावट के लिए अपना नाम बादशाह रखा हुआ था, लेकिन अब तो वह सच में ही उस टापू का बादशाह बन बैठा है। वो वहां कैसे पहुंच गया? बस पहुंच गया, हिंदुस्तान इंटेलिजेंस और CRPF का खदेड़ा पहुंच गया। करता क्या था वो? सारे एरिया के टेररिस्ट को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता था। करोड़ों रुपया पीटा उस अल्लाह मारे ने इस नए और अनोखे धंधे से। ओह, फिर वो ताल्लुकात बनाता है बंबई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह राज बहादुर बखिया से। उस ताल्लुकात का नतीजा ये निकलता है कि उस उजाड़ टापू पर बंबई से लेबर पहुंचती है, बंबई से इमारती तामीर का सामान पहुंचता है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। यहां पुलिस वगैरह को कोई खबर नहीं लगती? लगती है। उन्हें यह भी खबर लगती है कि बादशाह अब्दुल मजीद दलवई उस टापू पर छुपा हुआ है, लेकिन बंबई पुलिस जब उस ओर का रुख करती है तो हो हल्ला मच जाता है। पाकिस्तान सरकार, जिसे ठीक से उस टापू की पोजीशन भी याद नहीं रहती, बंबई पुलिस के उस सेक्शन को पाकिस्तान पर हुआ हमला करार देती है। नतीजतन बंबई पुलिस रास्ते से ही वापस लौट जाती है। बादशाह और शेर हो जाता है, तब उसके पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बन जाते हैं। वो उस छोटे से टापू का पाकिस्तान से किराया मुकर्रर कर लेता है और फिर पाकिस्तान से लेबर और सामान मंगवाकर वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। हिंदुस्तानी लेबर का क्या हुआ? उस पर पुलिस ने रोक लगा दी थी, लेकिन बादशाह को उससे राय रत्ती का भी फर्क ना पड़ा। पूरी रफ्तार से उस उजाड़ टापू पर इमारतें बनती गई और बिजली, पानी जैसी दूसरी बुनियादी जरूरतों का जुगाड़ होता गया। आखिर में क्या हुआ? आखिर में वहां एक ऐसा आलिशान कैसीनो खड़ा हो गया जिससे क्लब 29 तो क्या, अमेरिका और फ्रांस के जुआघर भी शर्मिंदा हो जाए।
कैसीनो में जुआ खेलने के लिए इंडिया से, पाकिस्तान से, गल्फ कंट्रीज से जुए के रसिया पहुंचने लगे। वो कैसीनो आनंद फानन बादशाह और बखिया के लिए, जो कि उसमें बराबर के पार्टनर थे, करोड़ों की कमाई का जरिया बन गया। ये सिलसिला आज भी जारी है, विमल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, पहले से ज्यादा जोर शोर से। उस कैसीनो की वजह से आज बखिया के वारिस इकबाल सिंह की पांचों उंगलियां घी में है, और वो साला हलकट बादशाह अब्दुल मजीद दलवई वो हिंदुस्तानी सरकार की नाक के आगे बिन बिनाती मक्खी की तरह उस टापू पर बैठा है और ऐश कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं, एकाएक कालिया का स्वर बेहद हिंसक हो उठा, उस बादशाह को तंदूरी चिकन की तरह चबा जाऊं और उसके टापू की खाक में उसकी हड्डियां चितरा दूं। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी सारी दौलत लूट लूं और उसके कैसीनो का खुद मालिक बन जाऊं। इससे क्या होगा? इससे इकबाल सिंह की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर मैं उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रसूख वाला बन जाऊंगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इकबाल सिंह खुद गिड़गिड़ाता, रहम की भीख मांगता, मेरे से सुलह करने की ख्वाहिश करता मेरे पास पहुंचेगा, जो कि तुम उससे कर लोगे। क्या सुलह? वो उलझनपूर्ण भाव से विमल को देखने लगा। विमल का मंतव्य समझने में उसे वक्त लगा। जब वो समझ गया तो बोला, नहीं, मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा, फिर चाहे तू उसे कच्चा चबा जाना या भून कर खाना। यानी कि तुम उस कैसीनो के मालिक बन जाओ तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ सकती है। ताकत भी और सेफ्टी भी। मैं मुंबई से जलावतन हुए रहने से बच सकता हूं। तब तुम उस टापू पर बस जाओगे? हाँ। पाकिस्तान सरकार को कोई ऐतराज नहीं होगा? नहीं होगा। उन्हें अपनी रकम से मतलब होगा, जो कि उन्हें खामखा मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने उस नन्हे से टापू से कुछ लेना देना नहीं। ऊपर से मुझे उम्मीद है कि वो लोग अपने मुसलमान भाई का लिहाज करेंगे, जैसा वो दूसरे मुसलमान भाई बादशाह अब्दुल का कर रहे हैं। हाँ, बन क्यों नहीं जाते हो मालिक? अगर ये काम इतना आसान होता तो मैं आज तक इंतजार कर रहा होता। क्या मुश्किल है? बादशाह मेरी सूरत से इतनी अच्छी तरह से वाकिफ है कि मैं टापू के आसपास भी नहीं फटक सकता। अपने इस लेफ्टिनेंट को, विमल ने भट्टी की तरफ इशारा किया, भेज दो। मेरे सब आदमी बादशाह के जाने पहचाने हैं, हम में से कोई टापू के पास भी फटकेगा तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। कंपनी का जो कहर नाजिल होगा सो अलग। तो तू अभी अपने आप को सोहल बता रहा था? सोहल जैसी? कालिया के स्वर में एकाएक चैलेंज का पुट आ गया। जरा भी सोरमाई तेरे में है तो इस काम को तू करके दिखा। मैं? तू बाहर का आदमी है, तुझे यहाँ या सेवन नेक पॉइंट पर कोई जानता पहचानता नहीं। अगर तेरे भेजे में भूसा नहीं भरा तो कोई तरकीब लगा और इस काम को करके दिखा। अकेले? तुझे मदद मुहैया करा दी जाएगी, ऐसे आदमियों की जिनकी बाबत तुम अभी कहकर हटे हो कि वे टापू के करीब भी फटकेंगे तो पहचान लिए जाएंगे। यानी कि तुम्हारी मुहैया कराई मदद के साथ मैं वहां जाऊं और गेहूं के साथ धुन की तरह पिस जाऊं? इतना अहमक मैं नहीं खलीफा। कालिया ने भट्टी की तरफ देखा। क्वेश्चन दोनों में कुछ इशारेबाजी चली और खुसर पुसर हुई। तू? फिर कालिया बोला, अपने मन माफी का आदमी खुद तलाश कर ले। ऐसे आदमियों की खिदमत की फीस बहुत ऊंची होती है। वो फीस मैं भरूंगा, और भी जो कोई इंतजाम तू चाहेगा, जो सलाहियत तू मांगेगा मैं दूंगा। वहां से लूटी हुई दौलत का क्या होगा? कालिया ने घूर कर उसकी तरफ देखा। विमल ने उसके घूरने की जरा भी परवाह नहीं की। 50-50। फिर कालिया बोला, मेरा 50 कितना होगा? जितना भी होगा बेशुमार होगा। फिर भी कोई अंदाजा? उस कैसीनो में लाखों के दाव लगते हैं, इससे जाहिर है कि लूट का रुपया करोड़ों में होगा। यानी कि बादशाह वहां से हुई कमाई वहीं रखता होगा? ऐसा तो वो नहीं करता होगा, कालिया को कबूल करना पड़ा। अपनी कमाई तो वो जरूर किसी स्विस बैंक में रखता होगा, लेकिन फिर भी वहां बहुत नावा होगा। कैसीनो को चलाने के लिए जो रकम दरकार होती है, वर्किंग कैपिटल, भट्टी बोला, वो भी कुछ कम ना होगी। आखिर वो रोज तो स्विस बैंक में जमा कराने के लिए रकम नहीं भेजता होगा। किसी रकम का नाम लो, अपना कोई अंदाजा बताओ। 2-3 करोड़ रुपया तो एकमुश्त वहां होता ही होगा। ये तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा अंदाजा है या कम से कम? किस फिराक में है भाई तू? कालिया संदिग्ध भाव से उसे घूरता हुआ बोला। मैंने एक मामूली सवाल पूछा है, तो जवाब है ज्यादा से ज्यादा। कम से कम 2 करोड़। फिर कालिया ने जल्दी से संशोधन किया, 1 करोड़। जिसको 50-50 किया जाए तो मेरे हिस्से में 50 लाख रुपया आएगा। हाँ, गारंटी करो। किस बात की? 50 लाख की। क्या मतलब?
अगर वहां से हासिल माल में मेरा हिस्सा 50 लाख ना बना तो कमी बेशी की भरपाई तुम्हें अपने हिस्से से करनी पड़ेगी, क्या बकता है? और अगर तुम्हारा हिस्सा इस काम के लिए नाकाफी हुआ तो अपने पल्ले से करनी पड़ेगी, क्या बकता है? मैंने पहले ही कहा था मैं कोई वॉलंटियर नहीं हूं, लेकिन चलो यूं सही, तुम इस काम की मेरी फीस 50 लाख रुपया मान लो, नफा नुकसान सब तुम्हारा। मतलब ये कि अगर तुम्हारे पहले अंदाजे के मुताबिक वहां से 2-3 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई तो भी मेरा हिस्सा 50 लाख रुपया, अगर वहां से फूटी कौड़ी हाथ ना आई तो भी मेरा हिस्सा 50 लाख रुपया। बोलो मंजूर? कालिया और भट्टी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विमल लापरवाही से पाइप के कश लगाता रहा। मंजूर, आखिरकार कालिया बोला, मेरा हिस्सा या फीस 50 लाख रुपया? हाँ, हर हाल में गारंटीड। हाँ, जमा ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चे? कालिया सकपकाया। क्या नहीं होंगे? लड़ाई वहां क्या ईंट पत्थरों से लड़ी जाएगी? समुद्र में 60 मील दूर टापू पर क्या तैरकर पहुंचा जाएगा? ठीक है, मोटरबोट, हथियार, असला, जो कुछ भी चाहिए वो मेरे जिम्मे। जमा उन आदमियों की उजरत जिन्हें मैं भर्ती करूंगा, बशर्ते कि वो उजरत खुद तेरी उजरत से मैच करती ना हुई। नहीं होगी, उसकी कोई हद मुकर्रर कर। 10 लाख। कमी बेशी का जिम्मेदार तू? हाँ। फिर ये भी मंजूर? गुड। कुल जमा 60 लाख रुपया और ऊपरी खर्चे की मेरी जिम्मेदारी की शर्तों पर तू ये काम करेगा? अगर करूंगा तो। क्या मतलब? कालिया हचकचाया। काम होने लायक होगा तभी तो करूंगा, यूं ही खुदकुशी करने तो मैं उस टापू पर पहुंच नहीं जाऊंगा। यानी तू पहले टापू को परखेगा? जाहिर है। उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। अगर मेरा जवाब हाँ में हुआ तो जो शर्तें अभी हमने डिस्कस की है उन पर सौदा पक्का, और अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो समझ लेना हम दोनों एक दूसरे के मतलब के आदमी नहीं, तो समझ लेना कि ये मुलाकात हुई ही नहीं। वो समझ की जरूरत नहीं, कंपनी को हिट करने के लिए तब हम कोई नई तरकीब सोच लेंगे। गुड। विमल ने अपना विस्की का ग्लास खाली किया। तो अब मुझे इजाजत है? तेरा पता ठिकाना क्या है? बड़ौदा के करीब उतना नाम की एक जगह है, वहां। अरे मैं तेरा बंबई का पता ठिकाना पूछ रहा हूं। अभी यहां मेरा कोई पक्का पता ठिकाना नहीं है, अभी तो मैं भटक रहा हूं, छुपता फिर रहा हूं। हम बना दें? सेफ? जाहिर है। फिर मुझे क्या एतराज होगा? तेरे से कांटेक्ट कैसे होगा? फिलहाल तो मैं ही कांटेक्ट करूंगा। कहां? भिंडी बाजार के ट्रैवल एजेंसी वाले नंबर पर। कालिया सकपकाया, उसने भट्टी की तरफ देखा। ढिल्लू से जाना होगा, भट्टी बोला। विमल मुस्कुराया, उसने मेज पर से अपनी नकली दाढ़ी पूंछ और कांटेक्ट लेंस और चश्मा उठा लिया। कहीं शीशा होगा? वो बोला। उधर भट्टी एक बंद दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ बोला, बाथरूम है। विमल उठकर बाथरूम में चला गया। इसके पीछे कोई होशियार आदमी लगा, कालिया जल्दी से बोला, जो मालूम करके आए कि ये कहां जाता है और इसके साथ और कौन है। भट्टी सहमति में सिर हिलाता हुआ फौरन बाहर को लपका। कुछ क्षण बाद वापिस लौट कर वो अभी अपनी जगह पर बैठा ही था कि सोहल बाथरूम से बाहर निकला। लंबे डग भरता हुआ उनके करीब पहुंचा और फिर बोला, मैं यहां तक बिस्कुटी रंग की सेकेंड हैंड फिएट में आया था, जिसका नंबर MRA 3194 है। वापिस भी उसी पर जाऊंगा, यहां से मैं सीधा जुहू जाऊंगा। इतनी रात गए रास्ते में उजाड़ सड़कों पर आपके आदमियों को डोस देना। हमारे आदमी? कालिया बड़ी मासूमियत से बोला, जिन्हें आप लोग अभी मेरे पीछे लगाएंगे उन्हें रास्ते में डोस देना मुश्किल होगा, इसलिए ये काम मैं जुहू पहुंच कर करूंगा। लेकिन हमारा तो जुहू में मैं होटल सी व्यू जाऊंगा, जिससे आपके आदमी कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि मेरा कंपनी से कोई गठजोड़ है। वहां मेरी कोशिशें उन्हें यही जताना होगी कि मैं वहीं ठहरा हुआ हूं। जब ये लोग इस इनाम के काबिल जानकारी के साथ वापस लौट जाएंगे तो मैं होटल से निकलकर किसी सेफ ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। तेरे पीछे आदमी लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपना प्रोग्राम आपको इसलिए बताया है कि कहीं सड़क पर मैं और आपके आदमी बिछुड़ जाएं तो मुझे दोबारा तलाश कर लेने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यहां से निकलकर मैं मौलाना आजाद रोड पकड़कर जैकब सर्कल पहुंचूंगा, वहां से हैनस रोड और फिर तुलसी पाइप रोड पकड़कर सीधे माहिन काजवे, फिर आगे घोड़बंदर रोड और फिर जुहू, जहां का प्रोग्राम मैं पहले ही। अरे क्यों मेरे दिमाग की पाव भाजी बना रहा है? बोला ना तेरे पीछे आदमी लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। विमल मुस्कुराया। अब एक आखिरी मेहरबानी और हो जाए, वो बोला,
मेरी रिवॉल्वर मुझे वापस मिल जाए। कालिया ने बिना हुज्जत विमल की रिवॉल्वर उसे लौटा दी। फिर विमल ने बड़ी गर्मजोशी से दोनों से हाथ मिलाया और वहां से विदा हो गया। चैप्टर 3। इंजन बंद होने की आवाज आई तो विमल ऊपर मोटरबोट के डेक पर पहुंचा। ऊपर दो आदमी मौजूद थे, एक मोटरबोट का कंट्रोल संभाले था, दूसरा उसके करीब एक कुर्सी पर बैठा था। दोनों नेवी के कमांडरों जैसी सफेद पोशाकें पहने थे और सिर पर वैसी ही सफेद पीक कैप लगाए थे। दोनों ने आंखों पर धूप के बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए थे। पीक कैप और धूप के चश्मों की वजह से उनकी नाकों की फुंगियों तक उनके चेहरे छुपे हुए थे। पहले आदमी के नाम से विमल वाकिफ नहीं था, दूसरा आदमी शमशेर भट्टी था। विमल ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। वे लोग समुद्र में इतनी दूर निकल आए थे कि बंबई का समुद्र तट अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उधर सामने देखो, भट्टी बोला। विमल ने इंगित दिशा में देखा। उसे खुशकी पर उगे पेड़ों के झुंड के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये है वो टापू, विमल बोला। स्वेन पॉइंट? हाँ। टापू से वे अभी कम से कम आधा मील दूर थे। और करीब चलो, विमल बोला। इतने फासले से कुछ दिखाई नहीं देता। और करीब जाना ठीक नहीं होगा। मैं मोटरबोट को ले जाकर टापू के किनारे से लगाने को नहीं कह रहा। भारी हिचकिचाहट का प्रदर्शन करते हुए भट्टी ने बोट चालक को आवश्यक निर्देश दिया। बोट चालक भी भट्टी की ही तरह बोट को टापू की ओर ले जाने से हिचकिचाता लग रहा था। बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से उसने इंजन को दोबारा स्टार्ट किया और बोट को आगे बढ़ाया। भट्टी के करीब एक खाली कुर्सी पड़ी थी। आओ, वो बोला, बैठ जाओ। विमल ने बैठने का उपक्रम ना किया। आराम से बैठो। और भट्टी ने हाथ में थमी बोतल विमल की तरफ लहराई। बियर का घूंट लगाओ। मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया, विमल शुष्क स्वर में बोला। अरे, एक घूंट से क्या पिकनिक हो जाएगी? एक घूंट बियर से मेरा कुछ नहीं बनता। तो बोतल पी लो, फिर तो पिकनिक हो जाएगी ना, भट्टी लाजवाब हो गया। मर्जी तुम्हारी, वो कंधे उचकाता हुआ बोला। उसने बोतल को मुंह से लगाकर बियर का एक लंबा घूंट भरा। वो मोटरबोट कोई 40 फुट लंबा चमचमाता हुआ केबिन क्रूजर था, जिसके डेक के नीचे बढ़िया होटलों जैसे सजे धजे 3 कमरे थे। मोटरबोट आगे बढ़ने लगी और टापू के और करीब पहुंचने लगी। कैसिनो वगैरह की, भट्टी बोला। जो मेन इमारतें हैं वो टापू की दूसरी तरफ हैं। इधर क्या है, विमल ने पूछा। गोदाम वगैरह है, पावर हाउस है, मेहमानों के लिए कुछ कॉटेज है। मेहमानों के लिए कॉटेज? तुम्हारा मतलब है कैसिनो में जुआ खेलने आने वाले लोग यहाँ ठहरते भी हैं? कभी कभार, बवक्ते ज़रूरत। कभी मौसम ही खराब हो जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी कोई मेहमान इतना खा पी लेता है कि वापस जाने के काबिल नहीं रहता। ऐसे लोग ओवरनाइट ही ठहरते होंगे। और क्या, टापू की इतनी जानकारी तुम्हें कैसे है? कभी गए हो उस पर? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने वहाँ कदम रख कर मरना है। तो जानकारी हासिल की है मैंने तुम्हारी खातिर। कैसे हासिल की? एक दो ऐसे बंदे तलाश किए जो वहाँ हो आए हुए हैं। लोग बाग स्त्री सुख की खातिर भी तो एक आध रोज वहां रुक जाते होंगे। वहां कोई रेगुलर चकला नहीं चलता। ओह, लेकिन बादशाह के खास क्लाइंटों के लिए उनकी खास फरमाइश पर ऐसे इंतजाम भी यहाँ हो जाते हैं। यानी कि हर किसी के लिए यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं, यही समझ लो। बादशाह से कभी मिले हो? नहीं। देखा हो? ना। मोटरबोट अब टापू के और करीब हो गई थी और अब पेड़ों के झुरमुट के पीछे से सफेद रंग से पुती हुई इमारतों के भी दर्शन होने लगे थे। एक बोट इधर आ रही है, एक बोट चालक चेतावनी भरे स्वर में बोला। भट्टी हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने टापू की दिशा में देखा। विमल ने भी उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। एक छोटी सी स्पीड बोट समुद्र की छाती चीरती और अपने पीछे सफेद झाग की लंबी दोहरी लकीर छोड़ती उनकी तरफ बढ़ रही थी। चालक ने बोट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। नन्ही सी स्पीड बोट बला की तेजी से उनकी बोट के पहलू में पहुंची। बोट में 3 आदमी मौजूद थे। तीनों ऐसी नीली वर्दियां पहने थे जैसे सिक्योरिटी के जवान पहनते हैं। रास्ता भटक गए हो, एक नीली वर्दी वाला उच्च स्वर में बोला। नहीं तो, भट्टी बड़ी अलमस्ती से बियर का एक घूंट लगाता हुआ बोला। इधर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तफरिया के लिए निकले हैं। टापू दिखाई दे गया, सोचा देखते चलें। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओह, हमें मालूम नहीं था, बोट चालक बोला। वैसे भी उस टापू के करीब जाना खतरनाक है। उसके करीब पानी में छुपी हुई बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। उधर जाने से तुम्हारा यह नया नकोर केबिन क्रूजर चूर चूर हो सकता है। वार्निंग का शुक्रिया भाई साहब, भट्टी विनीत भाव से बोला। हम दूर दूर से ही घेरा काट कर परली तरफ निकल जाएंगे
और वापस लौट जाएंगे। समझदारी करोगे। वार्निंग का बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी कोई बात नहीं, लेकिन टापू के करीब न जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। ध्यान रखना। जरूर, शुक्रिया। स्पीड बोट वापस घूमी और जैसी तूफानी रफ्तार से वो वहां पहुंची थी, वैसी तूफानी रफ्तार से वहां से लौट चली। पीछे मोटर बोट पर कई क्षण खामोशी छाई रही। ऐसे सिक्योरिटी वाले, विमल बोला, कितने होंगे यहां? है कोई दर्जन भर। तीनों हथियारबंद थे, देखा मैंने। वो अभी भी, बोट चालक बोला, किनारे के करीब ही मंडरा रहे हैं। मैं किधर चलूं? उत्तर के लिए भट्टी ने विमल की ओर देखा। बाई तरफ से, विमल बोला, टापू का लंबा घेरा काटते हुए आगे चलो। बोट चालक ने सहमति में सिर हिलाया और तत्काल प्राप्त हुए आदेश का पालन आरंभ किया। विमल ने नोट किया कि तब तक टापू का जो हिस्सा उसे दिखाई दिया था, उस पर ना बीज था, ना कोई खाई थी, ना मेहराब थी, ना पायर था। वहां ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां कोई बोट आकर टापू के किनारे लग सकती हो। टापू के एनसिरे पर झाड़ झंकाड़ और पेड़ ही उगे दिखाई दे रहे थे, जो कि कितनी जगहों पर नीचे समुद्र की सतह तक लटक आए थे। उसके बहुत पीछे कॉटेज और अन्य इमारतें थी, जो कि बहुत करीब से ही दिखाई दे पाती थी। दूर से तो टापू एकदम उजाड़ बियाबान मालूम होता था। वो लोग, बोट चालक बोला, अभी भी हमारे ऊपर ही निगाह गड़ाए हुए हैं। घबराओ मत, विमल बोला, वो सिर्फ यही देखने के लिए ठहरे हुए हैं कि जो कुछ हमने उनसे कहा है हम एनवाई करते हैं या नहीं। भट्टी ने अनुमोदन में सिर हिलाया। तो दोस्तों, ये था पाप की नगरी नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।